हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी कबाब की रेसिपी, मटन हांडी कबाब, जो बनके बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ प्याज और अदरक, इसे हमें पीस लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे प्याज और अदरक पिसा चुका है। यहाँ पे मैं कच्चा पपीता ले ली हूँ, आप अपने गोश्त के हिसाब से ले लें पपीता, और इसे भी हमें पीस लेना है। यहाँ पर मैं 1 kg मटन का गोश्त ले ली हूँ बोनलेस है। अब हमें इसमें ऐड करना है जो मैं पीस करके रखी हूँ कच्चा पपीता, उसे ऐड कर देना है। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग जितना है उसी हिसाब से आप ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली हूँ पोस्ता दाना। यहाँ पे मैं 1/2 cup पोस्ता दाना ली हूँ जिसे मैं अच्छे से पीस ली थी। यहाँ पे अदरक और प्याज का जो पेस्ट पीसी थी उसे भी ऐड कर देना है हमें। अब अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें, जितना आप तीखा खाते उसी हिसाब से मिर्ची भी ऐड कर लें। 1 teaspoon ऐड कर रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon ऐड कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा कलर आएगा कबाब का। 2 teaspoon लहसुन का पेस्ट, और 1 बड़े चम्मच से हमें ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। अब ये सारे चीज़ को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप कबाब में सरसों का तेल ऐड करेंगे तो बहुत ही अलग टेस्ट आएगा। चाहे तो आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं, बट एक बार आप सरसों का तेल ऐड करके देखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमें मैरिनेट के लिए हमें 2 to 3 hours इसे रख देना है। जितना देर आप रखेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं 2 hours के लिए इसे रख दी थी। 2 hours के बाद हमें इसे निकालना है। यहाँ पे 2 hours हो चुका था। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल बहुत ही अच्छे से जब गर्म हो जाए तभी हमें ऐड करना है गोश्त को। फ्राई करते टाइम आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मटन हांडी कबाब रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे। चाहे तो आप इसे पराठा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगता है। के बाद इसे साइड को अच्छे से चेंज करते हुए हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। ज्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है। हांडी कबाब जो है बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाता है। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो चुका था कबाब। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा कबाब। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। इंजॉय करें, फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। लाइक और शेयर करते रहें। बाय, टेक केयर।